हिप्नोसिस फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी। अगर आपको नहाने में ज्यादा समय लगता है तो ये अभ्यास आपको 21 दिन करना है, आपका नहाने में समय जीरो हो जाएगा। ऐश्वर्य राज जी तो आज ही अपनी ओसीडी को जीरो करने वाली हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने कल अभ्यास करवाया था वैसे ही अभ्यास फिर से करेंगे। आपने मेरी आवाज सुननी है, मेरी आवाज पर पूरा फोकस करना है और जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा ही आप महसूस करती जाएं, वैसी वैसी ही आप कल्पना करती जाएं, और यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। कल जो लाभ मिला था उससे भी 1000 गुना लाभ आज मिलेगा। फिर आपका नहाना बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है सर। ओसीडी वाला नहाना बंद हो जाएगा और आपका नॉर्मल नहाना आरंभ हो जाएगा। उसके बाद आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, सभी आपसे प्यार करेंगे, आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, लाभान्वित होंगे। हाँ, और आपके पति देव भी बहुत खुश होंगे। हाँ सर, आप दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत बन जाएंगी। हाँ सर, इसके लिए आपको मेरी बातों पर पूरा फोकस करना है और जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा ही महसूस करती जाएं। अब आप अपने हाथ को ऐसे करें, हाँ ऐसे करें, हाँ उंगली को ऐसे करें, हाँ पूरा ध्यान इस उंगली की नोक पर रखना है, पूरा ध्यान इस उंगली की नोक पर, हाँ पूरा ध्यान इस उंगली की नोक पर। इस उंगली की नोक को देखते रहें, देखते रहें, दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें, एक हाथ को भी ढीला छोड़ दें, उस हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मैं आपके सिर्फ माथे को टच करूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मेरी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। आप बिल्कुल अपने आप को, शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब आपकी उंगली आपके माथे की तरफ आ रही है, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल स्लो स्लो, एकदम स्लो, धीरे धीरे। जितना भी आप रोकने का प्रयास कर रही हैं उंगली और ज्यादा आती जा रही है। जैसे जैसे उंगली आ रही है आप नींद में जा रही हो, आपकी आंखें भारी हो रही हैं, आंखें और ज्यादा भारी, धीरे आप जितना रोकने का प्रयास करेंगी उतनी ही उंगली ज्यादा आएगी। आप रोकने का प्रयास करें, रोकने का प्रयास करके देख लीजिए, उंगली पास आ रही है। जैसे ही उंगली माथे को टच करेगी आप गहरी नींद में सो जाओगी, देखते रहें। जैसे ही उंगली माथे को टच करेगी आप गहरी नींद में सो जाओगी, जैसे ही उंगली माथे को टच करेगी आप गहरी नींद में सो जाओगी। सो जाओ गहरी नींद में, एकदम गहरी नींद में सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद, एकदम गहरी नींद, सो जाओ बिल्कुल गहरी नींद। दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम ढीले, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, दोनों हाथ बिल्कुल सुन, यह हाथ बिल्कुल ढीला छोड़ दें, यह हाथ भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों हाथ बिल्कुल सुन, पूरी तरह से गहरी नींद में सो जाएं। और ज्यादा डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर, और ज्यादा गहरी नींद, और ज्यादा गहरी नींद, और ज्यादा डूंगी नींद, बहुत डूंगी, आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है, आपको और ज्यादा गहरी नींद महसूस हो रही है, इससे भी ज्यादा गहरी नींद में सो जाएं, और ज्यादा गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद में। अब मैं 1 से 5 तक गिनूंगा, मेरे 5 कहते ही आप बहुत गहरी नींद में सो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल गहरी नींद। अब आप बहुत गहरी नींद में, एकदम गहरी नींद, बहुत गहरी नींद, इससे भी ज्यादा गहरी नींद में सो जाओ, इससे और ज्यादा गहरी नींद, बहुत गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद। अब आपको और ज्यादा गहरी नींद महसूस हो रही है, और भी ज्यादा गहरी नींद, और भी गहरी नींद, बहुत गहरी, बिल्कुल गहरी। अब मैं 1 से 3 गिनूंगा, 3 के साथ मैं आपके माथे को टच करूंगा, जैसे ही मैं आपके माथे को टच करूंगा आप बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएंगी। 1, 2, 3 सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद, एकदम गहरी नींद। अब आप बहुत गहरी नींद में हैं, अब आपके दोनों पैर सुन्न हो रहे हैं, अब आपके दोनों पैर और ज्यादा सुन्न, बहुत सुन्न, अब आपके दोनों हाथ सुन्न, दोनों हाथ और ज्यादा सुन्न, दोनों हाथ बहुत सुन्न, अब आपके दोनों हाथ बिल्कुल सुन्न महसूस हो रहे हैं, अब आपका पूरा शरीर सुन, पूरा शरीर और ज्यादा सुन, पूरा शरीर बिल्कुल सुन, पूरा शरीर पूरी तरह से सुन महसूस हो रहा है। अब आपकी आंखें लॉक हो चुकी हैं, अब आपकी पलकें आपस में चिपक चुकी हैं, अब आप
जितना भी पलकों को खोलने का प्रयास करेंगी पलकें और ज्यादा चिपकती जाएंगी, बहुत चिपकती जाएंगी। अब आप पलकों को खोल कर देखिए, आपकी पलकें और ज्यादा चिपक रही हैं, भारी बेल्डिंग हो चुकी हैं, दोनों पलकें बेल्डिंग हो चुकी हैं। ये जब मैं कहूंगा तभी खुलेंगी। आप खोलने का प्रयास करें, आप खोलने का प्रयास कर रही हैं, बिल्कुल चिपक गई हैं पलकें। हाँ सर बिल्कुल। अब आप बहुत गहरी नींद में जा रही हैं, और ज्यादा गहरी नींद, बिल्कुल चिपक गई हैं। जितना खोलने का प्रयास करेंगी और ज्यादा चिपकती जाएंगी, जितना खोलने का प्रयास करेंगी और ज्यादा, छोड़ दें प्रयास, छोड़ दें, बिल्कुल सो जाएं गहरी नींद में, एकदम गहरी नींद में सो जाएं। अब आपके दोनों हाथ बिल्कुल सुन, दोनों हाथ बिल्कुल सुन। अब आपके दोनों हाथ हवा में ऊपर उठते जाएंगे। जैसे जैसे मैं गिनती गिनता जाऊंगा आपके हाथ हवा में उठते जाएंगे। जितना आप रोकने का प्रयास करेंगे हाथ उतने ही ऊपर उठते जाएंगे। एक हाथ ऊपर उठ रहे हैं, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। आप जितना रोकने का प्रयास कर रहे हैं उतने ऊपर उठते जा रहे हैं। आप और ज्यादा ऊपर उठ रहे हैं, और ज्यादा हवा में, बहुत ज्यादा। स्टॉप, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, छोड़ दें। अब आप और ज्यादा गहरी नींद में जा रही हो। अब आप जैसे जैसे मेरी आवाज सुनती जा रही हो वैसे वैसे आप गहरी नींद में उतरती जा रही हो। अब आप जैसे जैसे मेरी आवाज सुन रही हो आपको और ज्यादा गहरी नींद महसूस हो रही है। मेरी आवाज आपको बहुत गहराई में ले जा रही है। अब आप मेरी आवाज के साथ बहुत गहरी नींद में जा रही हो। अब आप बहुत गहरी नींद में जा रही हो। अब आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है। अब आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है। अब आप बहुत गहराई में हैं। अब आप उस घटना को याद करें जब आप बहुत खुश थी। वो घटना थी कल आपने बताई थी आपके बच्चे के जन्म की। आज फिर से आप उसी मोमेंट में पहुंच जाएं, अपने बच्चे के जन्म का सारा विवरण बताएं, आपने जो खुशी महसूस की उस खुशी को बताएं। आप अब उसी समय में हैं जब आपके बच्चे का जन्म हुआ। अब आप बहुत खुशी महसूस कर रही हैं, अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है तो आप अपनी उंगली उठा करके सिग्नल दें, वेरी गुड। अब आपके सामने क्या क्या दृश्य है, क्या क्या महसूस हो रहा है? सर मेरे से तो बच्चा ऐसेगा तो मैंने बहुत खुशी हुई सी। हाँ वो खुशी है, आपका बच्चा, आपको सब याद आ रहा है, बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा मासूम बच्चा आपके आसपास कौन है वो भी दिखाई दे रहा है, डॉक्टर हॉस्पिटल सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्लियर आपके सामने है, एकदम क्लियर, सब कुछ क्लियर है तो उंगली उठा करके सिग्नल दें, वेरी गुड। आपका बच्चा कौन से हॉस्पिटल में है? राज डॉक्टर सर। हाँ राज डॉक्टर, और वो राज डॉक्टर कहाँ है? तलमंडी। तलमंडी, वेरी गुड। आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, आप बहुत गहराई में पहुंच चुकी हैं, आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, आपको बहुत आनंद महसूस हो रहा है। आज आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशी महसूस हुई है, आज आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, आज आप बहुत खुश नसीब खुद को महसूस कर रही हैं। अब यही खुशी आपकी हमेशा रहेगी। अब आपका मैं एक एंकर बना देता हूं। एंकर का मतलब है कि जब भी आप उस वाक्य को दोहराएंगी आपको यही खुशी मिलेगी, इसी खुशी का एहसास होगा। अब आप तीन बार, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है, बोलेंगी तो ये खुशी आपकी हमेशा इसी तरह साथ रहेगी। बोलिए, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज। बिल्कुल, जब भी आप मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है बोलेंगी तीन बार तो आपको इसी खुशी का एहसास होगा। अब आपकी खुशी, आपकी शांति बहुत बढ़ गई है। अब आपकी खुशी शांति और ज्यादा बढ़ रही है। आपके चेहरे पर खुशी महसूस हो रही है, आपका चेहरा खिलता जा रहा है, मुस्कुराता जा रहा है। जैसे जैसे मैं माथे को टच करूंगा आपका चेहरा और खिलता जाएगा, और खिल रहा है, चेहरे पर और खिलावट आ रही है, चेहरे में मुस्कान आ रही है, और ज्यादा फास्ट, और ज्यादा चेहरा मुस्कुराता जा रहा है, और ज्यादा मुस्कुराहट, स्माइल 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 बढ़ रही है, स्माइल और ज्यादा बढ़ रही है, स्माइल बहुत बढ़ रही है। अब आपके चेहरे पर यही स्माइल हमेशा रहेगी। आप बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं अपनी
शक्ति से आपको ठीक कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो भी आया है वो ठीक होकर के गया है और आप इसका उदाहरण है, आप भी ठीक हो गई हैं। तो भगवान की अपरंपार कृपा से, गुरु महाराज की अपरंपार कृपा से, सभी देवताओं की अपरंपार असीम कृपा से आप ठीक हुई हैं, आप खुशी महसूस कर रही हैं। तो मैं जैसे ही आपके माथे को टच करूंगा, सभी देवताओं की, सभी गुरुओं पीरों फकीरों की शक्ति आप में आ जाएगी और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगी। जैसे ही मैं तीन कहूंगा, माथे को टच करूंगा, आप में एक शक्ति, आप में एक ऊर्जा महसूस होगी। एक दो तीन, आपके पूरे शरीर में, मन में बहुत अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही है, आप में एक शक्ति महसूस हो रही है। ये शक्ति सभी देवताओं गुरु महाराजों की शक्ति है। अब आप पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, अब आप मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, अब आप बहुत मजबूत हो गई हैं, अब आप कुछ भी कर सकती हैं। अब आप जब भी नहाने जाएंगी, आप नॉर्मल तरीके से नहा करके कुछ ही समय में बाहर आ जाएंगी। आज के बाद जैसे ही आप नहाने जाएंगी, पानी डालेंगी बाल्टी में या शावर चलाएंगी, तो आप बिना साबुन के आराम से नहा करके बाहर आ जाएंगी। आज आप बिना साबुन के नहा करके बाहर आ जाओगे, आज आप बिना साबुन के नहा करके कुछ ही समय में बाहर आ जाओगे, आज आप बिल्कुल साबुन न लगा करके भी नहा करके कुछ ही समय में 10 मिनटों में आप बाहर आ जाओगी, आज आप बिना साबुन के 10 मिनट में नहा करके बाहर आ जाएंगे, आज आप 10 मिनट में बिना साबुन लगाए नहा करके बाहर आ जाएंगे। अब आप कितने समय में बाहर आएंगी, नहा करके कितने समय में बाहर आएंगी? 10 मिनट। और किस साबुन लगाएंगी या नहीं? नहीं सर। बिल्कुल आप ठीक हो चुकी हैं, एकदम ठीक हो चुकी हैं, आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत आनंद महसूस हो रहा है, आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, आपको बहुत आनंद महसूस हो रहा है, आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, आपको बहुत आनंद महसूस हो रहा है, आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत आनंद महसूस हो रहा है। अब आप 10 मिनट में बिना साबुन लगाए नहा करके बाहर आ जाएंगे। अब आप अपने आप को वॉशरूम में, स्नान घर में जाता हुआ महसूस करें और 10 मिनट में नहाकर बाहर आते हुए देखें। जैसे ही आप 10 मिनट में, अब आपने नहाने जाना है, अब आप नहाने जाओगी और नहा करके आप 10 मिनट में बाहर आओगी, अब आप मन ही मन वो सारी तस्वीरें, जैसे आप नहाओगी वो सारा कुछ देखोगी, और जैसे आप नहा करके बाहर आ जाओगी आप अपनी उंगली उठा करके संकेत दोगी, नहाना स्टार्ट। नहा लिए? हाँ सर। वेरी गुड। अब आप धीरे धीरे नींद से बाहर आ जाएंगे। सर कैसा फील हो रहा है? बढ़िया, एकदम ओके। ओके, तो अब आप नहाने जाएंगी और 10 मिनट में बाहर आ जाएंगी। ठीक। कपड़े ले आना, वो ले आओ, नीचे या ऊपर नहाना, नहा करके बिना साबुन यहीं आ जाना। ठीक। और कपड़े धोने फिर बाद में चलेंगे। सर, नीचे नहाना के बाद? कहीं आपकी जो इच्छा हो। ठीक। नहा के फिर आ जाओ, माइक दे जाओ।